खेती करने का एक नियम तो आप जानते ही होंगे कि जितने अच्छे बीज उतनी अच्छी फसल। यही नियम हम इंसानों पर भी लागू होते हैं। जितने अच्छे स्त्री के बीज और पुरुष के शुक्र होंगे उतने ही अच्छी क्वालिटी की या उत्तम संतान हमारे घर पे आएंगे। स्वागत है आपका ओज आयुर्वेद में और आज हम जानेंगे कि अगर आप भी अपने घर में एक उत्तम संतान चाहते हैं तो उसमें उड़द आपकी किस तरह मदद कर सकती है। हर शादीशुदा जोड़े की एक इच्छा होती है कि उनके घर पे एक नन्हा सा हंसता खेलता बाल गोपाल जरूर आए, जो शरीर से स्वस्थ और दिमाग से तेज हो। साथ ही साथ अगर वो सभी बीमारियों से दूर रहे तो क्या बात है। इन सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आयुर्वेद में चरक ऋषि कहते हैं कि उड़द बहुत अच्छी दवा है। चरक ऋषि अपनी चरक संहिता के सूत्र स्थान के 27वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहते हैं, वृषः परम वातहर स्निग्धो उष्णो मधुरः गुरु बल्यो बहुमूलः पुंस्त्वं मांसं शीघ्रं ददाति च। अर्थात उड़द वृष है, ये बहुत कमाल की दवा है पुरुषों के शुक्र और स्त्री के बीज को पोषण देने के लिए। उड़द महिलाओं की बीज की क्वालिटी को सुधारता है। यह वातहर है और महिलाओं में जितने भी योनि के रोग होते हैं उसका मुख्य कारण आयुर्वेद में वात या हवा को कहा गया है। उड़द खाने से शरीर में वायु कंट्रोल रहती है जिससे कि बीज बहुत अच्छी क्वालिटी का बनता है। यह स्निग्ध मीठी और पचने में भारी है और शरीर में तेजी से बल बढ़ाती है। यह पुरुषत्व की शक्ति के लिए भी एक बहुत अच्छी दवा है। आयुर्वेद में ठंडियों के मौसम को गर्भधारण के लिए सर्वश्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि इस मौसम में चंद्रमा की शक्ति बढ़ी रहती है जिसके कारण स्त्री और पुरुष दोनों की शारीरिक ताकत भी बहुत अच्छी होती है। उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए यह मौसम सर्वश्रेष्ठ समय है। अब उड़द को किस तरह सेवन किया जाए जिससे कि आपके घर में एक अच्छी संतान आ सके, इसके बारे में चरक ऋषि अपनी चरक संहिता में कहते हैं, घृत क्षीराभ्याम पुरुषः चरक शारीर स्थान 8वां अध्याय 4था श्लोक। अर्थात अगर पुरुष को उड़द का सेवन करना है तो उसे दूध और घी के साथ करना चाहिए। उड़द का स्वभाव गर्म है और पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं उनका स्वभाव ठंडा है। उड़द खाने से शरीर में गर्मी बढ़ती है, इसलिए वह गर्मी आपके शुक्राणुओं को तकलीफ ना दे इसलिए उड़द को घी या दूध के साथ खाना चाहिए। चरक संहिता में ही सूत्र स्थान के दूसरे अध्याय में एक विशेष प्रकार की खीर बताई गई है जिसका सेवन पुरुषों को जरूर करना चाहिए। उसमें चरक ऋषि कहते हैं, शमाश विदला वृषा घृत क्षीरोप साधिता। मांस शब्द उड़द के लिए प्रयोग किया गया है। आयुर्वेद में उड़द को मांस भी कहा जाता है। कहते हैं उड़द या उड़द की दाल को सबसे पहले घी के अंदर आप सेक लीजिए और सेकने के बाद इसे दूध में डालकर आप पकाकर इसकी खीर बना लो। अब खीर को स्वाद देने के लिए आप कुछ मीठा या थोड़े बहुत काजू बादाम भी डाल सकते हैं। अगर कोई पुरुष इस खीर का सेवन करे तो एक महीने में उसके शुक्राणुओं की बहुत तेजी से वृद्धि होती है जो उत्तम संतान पैदा करने में बहुत मददगार होता है। अब स्त्रियों को उड़द का सेवन कैसे करना चाहिए इसके बारे में भी चरक ऋषि एक विशेष सूत्र बताते हैं। चरक संहिता के शारीर स्थान के 8वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहते हैं, स्त्रिया तु तैल माशाभ्याम। अर्थात स्त्रियों को उड़द का सेवन तेल के साथ करना चाहिए। अब स्त्रियों को तेल के साथ क्यों कहा गया? ज्यादातर तेल का स्वभाव गर्म होता है और उड़द का भी जो स्वभाव है वह गर्म है। स्त्रियों के शरीर में जो बीज बनते हैं वह भी गर्म स्वभाव के होते हैं, तो गर्म स्वभाव की उड़द और गर्म स्वभाव के तेल को अगर आप मिलाकर खाएं तो बीज बहुत अच्छे से बनता है। जैसे कि गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा, अगर कच्चे फलों को पकाना हो तो लोग उसे भूसे में दबाकर रख देते हैं जिससे कि उसकी गर्मी से फल ज्यादा जल्दी और अच्छे से पकते हैं। वैसे ही अगर स्त्रियां उड़द का सेवन तेल के साथ करें तो इससे बीज या ओवम बहुत अच्छी क्वालिटी का बनता है जो उत्तम संतान के लिए बहुत जरूरी है। उड़द महिलाओं के गर्भाशय को भी बहुत अच्छे से पोषण करती है, तो खास करके ऐसी महिलाएं जो बहुत पतली हैं या बहुत चंचल स्वभाव की हैं, उनके लिए उड़द तेल के साथ खाना बहुत फायदेमंद है।
आप साउथ इंडियन होटल में जरूर गए होंगे और वहाँ पर आपने मेंदू वड़ा जरूर खाया होगा। यह मेंदू वड़ा उड़द और तेल से ही बनता है, तो महिलाओं को मेंदू वड़ा जरूर खाना चाहिए और वो भी मजे से, पर घर में बना हुआ, क्योंकि बाहर कौन सा तेल यूज होता है वो आप नहीं जानते। और घर में भी शुद्ध घानी का तेल, ये रिफाइंड तेल के कचड़े से आप जितना दूर रहेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा। अब अगर आपकी पत्नी को मेंदू वड़ा खाते देखकर आपको अगर जलन हो तो आप भी ये मेंदू वड़ा खा सकते हैं, पर घी में बना हुआ। पुरुषों को अगर उड़द खाना है तो वह घी में पकाकर खाएं तो उनके शरीर के लिए वह ज्यादा फायदेमंद है। तो महिलाएं जब मासिक धर्म पूरा होता है उसके बाद से उड़द का तेल के साथ प्रयोग करें और पुरुष उड़द का दूध और घी के साथ प्रयोग करें। एक महीने तक इसका प्रयोग करने से शरीर बहुत ताकतवर हो जाता है। उत्तम संतान आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आने वाली संतान ही निर्भर करेगी कि समाज और आपका भविष्य क्या होगा। आयुर्वेद में एक अच्छी संतान के लिए बहुत सारे संस्कार बताए गए हैं, जैसे गर्भधारण संस्कार, बीज शुद्धि संस्कार, ऐसे कई संस्कार हैं। तो आप अपने किसी नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर इन संस्कारों की जानकारी ले लें। गर्भधारण के पहले और बाद में कौन कौन सी औषधियों का सेवन करना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए, इसकी जानकारी भी जरूर ले लें। आयुर्वेद की ऐसी ही विशेष जानकारियों के लिए ओज आयुर्वेद इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह जानकारी कैसे लगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।